Salam alaikum. I'm Ryan Big. I'm a graphic designer. आज मैं आपको आप कैसे टेक्स्ट पे 3D इफेक्ट कैसे दे सकते हैं आज मैं आपको कल के दिखाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फाइल में, फिर न्यू पर। इसका साइज A4, इसकी विड्थ हमारी 210.002 मिलीमीटर और इसकी हाइट है 297 मिलीमीटर और यहाँ से हॉरिजॉन्टल है 1/8। बहुत है आपको ब्लीड लगाने, ब्लीड लगा दें टॉप ब्लीड। तो आपको बॉटम भी लगाना है, लेफ्ट लगाना है, ब्राइट लगाना है और यहाँ की तरफ से आप कलर मोड पे भी कर सकते हैं। अभी CMYK पे आप ICB भी कर सकते हैं। अभी हाई 300 PPI पे आप मीडियम स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी डिफ्यूजल है, आप पिक्सल ओवर पेन पे भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नाम दे देना है, जैसे कि मैंने इधर नाम दे दिया है टैग 3D टेक्स्ट इफेक्ट। बस अब इतना मैंने कर लिया और फिर इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको ये देखा आपने मैंने लिख दिया तो आपको ये नाम आ गया हमारा। फिर यहाँ की तरफ से आपको सबसे पहले एक लेना होगा रेक्टेंगल। फिर रेक्टेंगल लेने के बाद आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा कोई दाग लेना चाहिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ की तरफ ब्लैक नो, यहाँ की तरफ जैसे मैंने पर्पल का थोड़ा सा डार्क कलर ले लिया थोड़ा सा और ये थोड़ा सा कम है थोड़ा सा। बस अब इतना देने के बाद फिर हम ले लेते हैं टेक्स्ट टूल। इधर मैंने लिख दिया M, कैपिटल में M। फिर यहाँ की तरफ बस आप थोड़ा सा बड़ा कर दिया। फिर इसका फॉन्ट आपको हम दे देते गौथम। इसकी शॉर्टकट की है, इसकी है ब्लैक, गौथम ब्लैक। फिर यहाँ की तरफ मैंने कर दिया। फिर आखिर मैंने इसका कलर दे दिया है लाइट रेड देना है। आखिर तरफ थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। बस अब इतना करने के बाद आपको इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है क्रिएट आउटलाइंस। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल ओ। इसी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल ओ। अब ये हमारा हो गया। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना आएगा इफेक्ट में, फिर आपको जाना आएगा 3D में, फिर आपको जाना आएगा एक्सट्रूड बीवेल। फिर यहाँ की तरफ जाने के बाद आपको दबाना आएगा प्रीव्यू। फिर प्रीव्यू दबाने के बाद आपको इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देना है, नीचे की तरफ थोड़ा सा मैंने कर देता हूँ, थोड़ा सा को मैंने इस तरफ करा। फिर यहाँ की तरफ से मैंने इसका दे दिया 500। बस प्रीव्यू 500 बहुत है, जैसे कि इधर मैं कर देता हूँ 200 भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इधर कर देता हूँ 100। तो 100 हमारा ठीक है, तो मैंने इधर से ही ओके कर दिया। और फिर इतना करने के बाद थोड़ा सा मैंने घुमा दिया। बस अब आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पर जो पीसी का इस पर कोई अच्छा सा ग्रेडियंट देना है, अब मैं कैसे दूँ। तो आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, आप जब अनग्रुप करेंगे ऐसे ही तो वो हट जाएगा आपका। आपको इसके लिए सबसे पहले जानना होगा ऑब्जेक्ट पर एक्सपेंड एप्रिएशन, फिर दबाने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर आखिर तरफ आपको राइट क्लिक करके फिर अनग्रुप, एक बार नहीं हुए तो दूसरी बार करेंगे। दो वो बार हमारा हो गया, हमने कर दिया। फिर आखिर इन सबको सेलेक्ट करा मैंने। फिर मुझे कोई अच्छा सा ग्रेडियंट देना है, तो आपको जाना है विंडो पर, देख रहा है आपको विंडो पर चला जाता हूँ। फिर यहाँ की तरफ आपको जानना है ग्रेडियंट पर, इसके साथ कंट्रोल F9 है, जैसे अभी कंट्रोल। फिर यहाँ की तरफ से मैंने दबा दिया F9। फिर आखिर के बाद हमारे पास आ गई, फिर इनको सेलेक्ट करा। बस फिर यहाँ की तरफ मेरे पास एक ग्रेडियंट रखा हुआ है ऑरेंज और येलो का, जैसे कि मैंने दे दिया, और ये आपके पास जरूर रखा हुआ होगा, अब जाके ले लेंगा। और फिर यहाँ की तरफ से इसका फिल्ड करना है, यहाँ से मैंने दे दिया फिल्ड ग्रीन। और फिर ग्रीन देने के बाद यहाँ की तरफ मैं
जा देता हूँ पे आके तरफ बस ग्रीन, कुछ अच्छा वाला ग्रीन। ओके दे देता हूँ थोड़ा से इस तरफ बस, इनको सेलेक्ट। अब यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे जितने भी हैं आप दे सकते हैं, लेकिन अभी मैंने लेयर करा हुआ, आप डिजिल करेंगे तो ये बीच में ऐसे आएगा। तो देखा हमने, तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल F9 दबाया, डिजिल कर दिया बस। फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल F9 दबाया, यहाँ की तरफ से मैंने इसको डिजिल कर दिया। फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ की तरफ कंट्रोल दबाया, F9 दबाया, इसको मैंने डिजिल कर दिया। फिर यहाँ की तरफ फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल F9 दबाया, यहाँ की तरफ मैंने इसको भी रिडल कर दिया। और फिर बस आप इतना हमारा हो गया, रिडल मैंने कर दिया है सबको। और फिर इनको सेलेक्ट करेंगे हम, और जब विंडो पर जाएंगे, आप वैसे ग्रेडियंट नहीं दे पाते हैं इस पर, तो आप फिर लेकिन दे सकते हैं जब आप इसको करेंगे क्रिएट आउटलाइन, जब आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका ग्रेडियंट दे दिया ब्लू, और यहाँ की तरफ मैंने इसका दे दिया है इस भी, जैसे कि अभी दिखता हूँ ग्रीन, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने डार्क ब्लू ठीक नहीं है, सिलेक्ट करा इसको। मैं थोड़ा लाइट कलर दे देता हूँ, रेड रेड, और यहाँ की तरफ दबाकर वाइट, नॉट अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा मैंने रेड दे देता हूँ। तो यहाँ की तरफ बस। अब ये देखा आपने, ये आप हमारा हो गया है। फिर मैंने, अब आपको क्या करना है, Ctrl 2 दबा दिया मैंने, लॉक कर दिया, फिर थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया बस। अब इतना हमारा हो गया है। और फिर इतना करने के बाद आप इनको जब कंट्रोल दबा के स्क्रॉल दबाएंगे, आप इससे थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है, क्योंकि फिर इसकी शेप हमारी खराब हो जाएगी, इतनी अच्छी जो बनी है हमारी शेप। अब इतना हमारा हो गया, आप कोई सा भी अपना ग्रेडियंट दे सकते हैं। फिर मैं विंडो पर गया, ग्रेडियंट फिर इसका भी मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ बस। अब ये देखा आपने, ये हमारा बन चुका है हमारा, और आपको मैंने बता दिया है आप किस कैसे टेक्स्ट पर 3D इफेक्ट कैसे देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक लिए मैं तब से आप सबको गुड।